बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के मकसद से हिमाचल प्रदेश के सोलन में सरकार ने परमिट जारी किए थे, लेकिन आज आलम यह है कि शहर में सभी नियम कानून को ताक पर रखकर धड़ल्ले से 300 के करीब ऑटो सड़कों पर दौड़ते नजर आ रहे हैं। प्रशासन भी शहर में इन ऑटो रिक्शाओं की तादाद को कम करने में असफल रहा है। अब परिवहन विभाग ने ऑटो रिक्शा चालकों की मनमानी को रोकने के लिए मन बना लिया है। गौरतलब है कि सोलन शहर के 20 किलोमीटर के क्षेत्रफल में 300 के करीब ऑटो बिना रुके सारा दिन इधर से उधर भागते नजर आते हैं, जिससे जहां एक ओर शहर में जाम की स्थिति बनती है, वहीं डीजल वाले ऑटो चलने से प्रदूषण भी बढ़ रहा है। क्षेत्रीय परिवहन विभाग द्वारा सोलन मुख्यालय को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें सोलन, धर्मपुर, कंडाघाट, नौणी और देवटी क्षेत्र के लिए परमिट जारी किए गए थे, लेकिन अधिकतर ऑटो चालक शहर में अपना ऑटो चला रहे हैं। ऑटो चालकों की मनमानी यहीं खत्म नहीं हुई है। कुछ ऑटो मालिकों द्वारा अपने ऑटो किराए पर चलाने के लिए भी ठेके पर देने की बात सामने आ रही है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी MD शर्मा ने जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए परमिट जरूर आवंटित किए गए थे, लेकिन देखने में आया है कि अधिकतर ऑटो सोलन मुख्यालय की सड़कों पर ही चल रहे हैं, जिससे शहर में जाम लग रहे हैं और प्रदूषण भी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जिसके नाम पर ऑटो का परमिट है केवल वही ऑटो चलाने का हकदार है। जिन लोगों ने ऑटो ठेके पर लिए हैं उनका परमिट रद्द किया जा सकता है, जिसके लिए परिवहन विभाग द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अब देखना है कि क्या ऑटो रिक्शा चालकों पर नकेल कसने में विभाग कितना कामयाब होता है। 20 किलोमीटर के रेडियस में जो है ऑटो को जो है वो चलना था, और इसमें हमारे पास जो है क्षेत्र डिवाइड किए गए थे, जैसे कि कंडाघाट क्षेत्र, देवठी क्षेत्र, सोलन क्षेत्र, नौणी क्षेत्र, धर्मपुर क्षेत्र। और इसमें एक शर्त यह भी रखी गई थी परमिट में कि वही यूथ जो है वो ऑटो चलाएंगे जिनके पास कि अपना लाइसेंस होगा और जो कि अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में आएंगे। तो हमने अभी यहां पे ऐसा पाया है इंस्पेक्शन के दौरान कि कुछ एक लोगों ने ऑटो के परमिट लिए हैं और उसके बाद उन्होंने उसको सबलेटिंग कर दिया है। तो ऐसे ऑटो जो कि सबलेटिंग पे गए हैं, हम उनका जो है वो चलान कर रहे हैं, उनको इम्पाउंड करने की भी कोशिश करेंगे ताकि जो है ऐसे रूट परमिट, ऐसे लोगों के परमिट जो है वो रद्द किए जाएं और RTA मीटिंग में रखे जाएं, और अनयूथ जो हमारे पास अनएम्प्लॉयड यूथ है सोलन का, उनमें वो बांटे जाएं ताकि जो है जो जरूरतमंद है उसको ऑटो मिल सके, ना कि ठेकेदार को ऑटो।